मैं अपने शब्द और ये रिश्ता वापस लेता हूं। अरे नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मतलब? मतलब ये कि अगर आप रिश्ता वापस ले लेंगे तो हम रिश्ते के लिए हाँ कैसे कहेंगे? मतलब आप मेरी गुनगुन को? जी डॉक्टर साहब, गुनगुन अब आपकी नहीं, हमारी है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। और अनुभव को भी? आपने बात की अनुभव से, उसे ये रिश्ता मंजूर है? जी बिल्कुल तैयार हो गया। पहले थोड़ी आनाकानी कर रहा था, लेकिन जब हमने समझाया तो समझ गया। चारू जी, थैंक यू सो मच। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। मतलब आपने अनुभव को मना लिया? मुझे तो लगा था वो कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेगा। कैसे हाँ नहीं करेगा डॉक्टर साहब? हमारे परिवार में बड़ों की बात का सम्मान किया जाता है। तो अब आगे क्या? आगे क्या? अरे दोनों का रिश्ता पक्का करेंगे, फिर सगाई करेंगे। और हमारे घर की औरतें तो अभी से शादी का मुहूर्त निकालने के लिए तैयार बैठी हैं। चारू जी, अगर बाद में अनुभव ने अपना मन बदल लिया तो? कोई और समस्या आई तो? अरे कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, हम बड़े बूढ़े किस लिए हैं? हम उन्हें समझाएंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। हाँ ये बात अलग है कि दोनों को एक दूसरे को समझने में वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक बात बताऊं चारू जी, मैं सुबह से लोगों को गुनगुन के फेल होने के बारे में बता बता कर थक गया था, इसलिए फोन नहीं उठा रहा था। मगर अच्छा हुआ मैंने ये फोन उठा लिया और आपसे बात कर ली। अब किसी का फोन आएगा ना तो मेरे पास बताने के लिए एक छोटी सी बुरी खबर के साथ साथ दुनिया की सबसे अच्छी खबर भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इस रिश्ते के बारे में गुनगुन से बात की? उसका क्या कहना है? वो भी कहां मान रही थी, मगर वो कहते हैं ना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अब वो फेल हो गई, उसे मेरी बात माननी पड़ी। हां लेकिन उसने एक शर्त रखी है कि अगर वो अगले साल फर्स्ट क्लास से पास हो गई तो वो ये शादी तोड़ देगी। क्या? फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा ठीक है। मतलब आपने उसकी शर्त मान ली? चिंता मत कीजिए चारू जी, ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। वो मेरी बेटी है, मैं उसे जानता हूं। वो पास हो जाए यही बहुत है, फर्स्ट क्लास तो बहुत दूर की बात है। और अगर वो फर्स्ट आ भी गई तो इतने दिन आपके घर रहने के बाद वो आप लोगों से दूर रहने का ख्याल एकदम छोड़ देगी। सच कहूं तो डॉक्टर साहब, अनुभव ने भी हमसे एक वचन लिया है। उसने कहा है कि अगर ये शादी नहीं निभ पाई तो जो भी फैसला वो लेगा हमें उसका साथ देना पड़ेगा। जी, पहली बार दोनों एक बात पर सहमत हुए हैं, और वो भी अलग होने के लिए। डॉक्टर साहब, दोनों एक दूसरे के सामने आते ही झगड़ने लगते हैं। दोनों इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। इसलिए उनसे ज्यादा इस शादी को निभाना हमारी जिम्मेदारी है। बात तो आपकी सही है चारू जी, एक बार गुनगुन आपके परिवार का हिस्सा बन गई तो फिर मुझे यकीन है वो आपके परिवार की ही होके रह जाएगी, और धीरे धीरे अनुभव और गुनगुन की दोस्ती भी हो जाएगी। जी भगवान करे ऐसा ही हो। और डॉक्टर साहब, अब उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी भी तो हमारी है। आपने मेरे मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया चारू जी। आप मेरे और मेरी गुनगुन के लिए एक बहुत बड़ा फरिश्ता बन के आए हैं। थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए कि आपने अपनी हीरे जैसी बेटी हमारी झोली में डाल दी। ये तो आपका बड़प्पन है चारू जी। मैंने जो सपने अपनी गुनगुन के लिए देखे थे आज वो पूरे होते दिख रहे हैं। जल्दी मिलेंगे चारू जी। जी बिल्कुल मिलना ही पड़ेगा, रिश्ता जो पक्का करना है। जी चारू जी, नमस्ते। नमस्कार।
मेरी बच्ची, तेरी घर में इतनी तस्वीरें हैं और हर तस्वीर में तू अकेली है। जब भी तेरी ये तस्वीर देखता था, सोचता था कि काश तू किसी एक ऐसे घर का हिस्सा बने जहां पर तस्वीरों में सब एक साथ हो, कोई अकेला ना हो। आज भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी बच्ची, अब तुझे एक ऐसा परिवार मिलेगा जहां तू कभी अकेली नहीं होगी, जहां खुशियां होंगी, एक भरा पूरा परिवार होगा। कितना अच्छा होता अगर चंद्रू भी रेडियो पर गाता, कम से कम जब हम चाहते उसे बंद तो कर पाते। नीति बेटा जी, मैंने चाय चढ़ाई है, बन गई हो तो ले आना। जी। ए दिव्या। जी भाभी। ले लो। तो फिर कपड़ा इनको अलग धोना। हाँ ठीक है। कहा जी, बार बार हमारा रेडवा का ले लेते हैं आप? हमको अपना मनपसंद संगीत सुनना होता है ना। अरे तो क्या जरूरत है सुनने की? आपको कौन सा संगीत की समझ है सुनंदा जी? हमें कौन आशा लता बनना है? संगीत सुनने के लिए समझ होना जरूरी नहीं है, शौक होना जरूरी है, और शौक हमारा भरपूर है, समझे? रुके क्यों? लगे रहिए ना दोनों। चाय के साथ बिस्किट हो ना हो, लड़ाई झगड़ा जरूर होता है, वरना चाय तो फीकी लगती है हमारी। हाँ ए गोली, हमें लड़ाई का कोई शौक नहीं है, लेकिन तोर भैया है ना, ठीक उसी समय रेडवा लेते हैं जब हमको अपना संगीत सुनना होता है ना। हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं। भाभी रिलैक्स कीजिए, हम आपके लिए नया रेडियो लाएंगे, 5,000 रुपए वाला, जिसमें वो रेट्रो गाने होते, रेट्रो मतलब पुराने गाने, वो वाला। एक मिनट, कहाँ से लेके आओगी? बाजार से। और पैसे कौन देगा? आप देंगे। हम? अभी हमारे अंदर पागलपन के ऐसे लक्षण नहीं शुरू हुए हैं। हम तुम्हें 5,000 का चवन्नी भी नहीं देंगे। भैया आजकल चवन्नी तो चलती भी नहीं है। हाँ लेकिन हमारी चप्पल जरूर चलती है, चला के दिखाएं। अरे जब फोन पे सारे गाने सुन सकते हो तो इतना महंगा रेडियो लाने की जरूरत क्या है? हाँ एक रेडियो है ना, बस बहुत हो गया। बहुत आपके लिए है क्योंकि आप इस पे कब्जा करके बैठे हैं। लाइए हमारा रेडियो हमको दीजिए। आप क्या इसे मायके से लाई थी? मायके से तो हम इन सबको भी नहीं लाए थे, लेकिन हमारे है ना ये। दीदी आपके लिए, लीजिए और शांत हो जाइए। अरे सुनंदा जी जाइए और भजन कीर्तन कीजिए। आपके माँ बाप कितने धार्मिक थे, जब वो पिक्चर देखने जाते थे ना तो साथ में मंजीरे लेकर जाते थे कि इंटरवल में सबको भजन सुनाएंगे। और एक ये है कि हम कब आपके हैं, बताइए कब आपके हैं, हम दो चार गाना सुन लेते हैं, आपको क्या तकलीफ हो रहा है? बस 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 दीदी शांत हो जाइए। अरे शांत होने कहाँ देते हैं भाई। चाची प्लीज। ये रेडियो अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। गोली दीदी ने कहा ना, हम आपके लिए नया रेडियो ले आएंगे। सच? बिल्कुल। पैसे कहाँ से आएंगे सेठ जी? आएंगे नहीं, पैसे बचाएंगे। हम जो रोज शाम को चाय के साथ समोसा खाते हैं ना, आज से बंद। एक एक पैसा बचा के भाभी के लिए हम रेडियो ले आएंगे। हाय हमारे गोलू, आजकल तो रेडियो फोन से भी कनेक्ट हो जाते हैं, स्पीकर्स भी अच्छे होते। अरे वाह, अब तो रेडियो लाना ही पड़ेगा। क्या जमाना आ गया है, अब पेट काट के रेडियो लेंगे। वैसे तुम्हें और गोलू को पेट तो काटना ही चाहिए। सुनिए जी, हमारे फूल जैसा गोलू गोली के ऊपर नजर मत लगाइएगा, समझे? हमको दीजिए, जब तक नया रेडवा नहीं आएगा हम ये सुनेंगे। अरे तुम लोगों के पास टीवी है, हम उसको कभी हाथ लगाते हैं? हमारे पास तो सिर्फ एक रेडियो है, तुम लोग टीवी देखो।
हम अपना रेडियो सुनेंगे। अरे बात खत्म। ऐसे कैसे बात खत्म भैया, आप भी तो फिल्मी गाने सुनते और गुनगुनाते भी हैं। हाँ मैंने भी देखा। तो भैया अगर आप सुन सकते हैं तो भाभी क्यों नहीं? भाभी सुन सकती है और जरूर सुनेंगी। भाभी आप चिंता मत करिए, अब इस घर में रेडियो आकर रहेगा। हाँ माँ रेडियो आ जाएगा, आप आराम से चाय पीजिए। अरे हम जानते हैं तुम सब लोग हमारे खिलाफ हो गए हो। अरे ये लोग आपके खिलाफ नहीं हैं, ये हमारे साथ। अरे हम जानते हैं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने जरूर इन्हें रिश्वत दी होगी। हे सरगम, अपने जेठ जी को कह दो कुबेर का खजाना नहीं दिए हमें जो हम रिश्वत देते रहेंगे। हाँ बेटा इनको भी कह दो कि अगर आंख बंद करके पैसा देते जाओगे तो कुबेर का खजाना भी खत्म हो जाएगा। हमने एक एक पाई करके ये घर बनाया है और आप क्या कर रही हैं? हैं? आप लाड प्यार करके इन सबकी आदतें बिगाड़ रही हैं। समय देखिए क्या हो रहा है। भैया 9 बज रहे हैं। हमारी आंखों में मोतिया नहीं उतरा, हमें भी दिख रहा है कि समय क्या हो रहा है। पूछ काहे रहे हैं? पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं। सुबह के 9 बज गए हैं और तुम्हारा लाडला देवर अभी तक घोड़े बेच के सो रहा है और फिर उठते ही पहाड़ी कौवे की आवाज में रियाज करना शुरू कर देगा। अरे इसलिए तो जल्दी नहीं जगाते उन्हें, आपदा जितनी देर तक टली रहे उतना ही अच्छा है। अगर चंद्रू देर तक सो रहे हैं तो उसमें भी हमारी गलती है। नहीं तो और क्या, अमेरिका के प्रेसिडेंट की है। अरे ये तुमने बिगाड़ा है, तुमने इसे सर चढ़ाया है। आप जो ये फिल्मी गाने सुनते ना, वो गाने सुन सुन के हमारा भैया शोर कुमार बन गया। शोर कुमार नहीं, किशोर कुमार। नहीं गोलू, बड़े भैया ठीक कह रहे, चंद्रू भैया हमारे शोर कुमार ही है। जी जी छोड़िए ना सर, चाय पी लीजिए, देखिए सारी मलाई जम गई है। वैसे एक बात बताइए, हमारा संगीत आपको इतना चुभता है और आप खुद का करते हैं? हम क्या करते हैं? सब अखबार लेते हैं, समाचार पढ़ते हैं, उसे फिर घोल करके पी जाते हैं, फिर उहे समाचार रेडवा पर सुनते हैं। बस यह काम है, समय का बर्बादी को इनसे सीखे। भाभी समय ने हमें बर्बाद किया और भैया समय को बर्बाद करके हमारा बदला ले रहे। अरे वाह कितनी पोएटिक लाइन कही ना हमने। हा? अरे देश दुनिया की खबर रखना कोई समय बर्बादी नहीं है। अरे मिल गया, अब कोई नहीं बोलेगा, हम खबरें सुनेंगे। अरे इतनी देर लगा के स्टेशन मिला था और वो भी गलत। आपकी नजर लग गई, देखा घंटी बजी, हमने बिल्कुल सच कहा था। हेलो हेलो मिस्टर अनुभव कुलश्रेष्ठ। जी ये अनुभव कुलश्रेष्ठ के घर का नंबर है। मैं दिल्ली के नेशनल साइंस एकेडमी से बोल रही हूँ, अनुभव है? जी आप होल्ड करिए, मैं उसे बुलाता हूँ। दिल्ली से अनु के लिए फोन है। क्या बोल रहे हैं? अरे रिसीवर पे हाथ रखे इतने धीमे क्यों बात कर रहे हैं? एक मिनट, अनु के लिए दिल्ली से नेशनल साइंस एकेडमी से फोन है, हम उसे बुला के आते हैं। हाँ, जल्दी। हेलो हेलो अनुभव कुलश्रेष्ठ जी? नहीं हम उसके बड़े पापा बोल रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते जी। जी अनुभव कमरे में है, उसके छोटे चाचा, हमारा मतलब है हमारे छोटे भाई, उसे बुलाने गए, अभी आता होगा। जी कोई जरूरी काम था? जी दरअसल मुझे अनुभव को एक खुशखबरी देनी थी। खुशखबरी? चल चल चल। एक मिनट, अनुभव आ गया, लीजिए बात कीजिए। उसका दिल्ली से। हेलो हेलो अनुभव जी बोल रहा हूँ, आपका? अनुभव मैं नेशनल साइंस एकेडमी की चेयरमैन मिस गीता गुहा बोल रही हूँ। जी मैम, मैं बिलीव नहीं कर सकता, मैं रियली आपसे बात कर रहा हूँ। न्यूज ही इतनी अच्छी है कि मैंने खुद फोन करना जरूरी समझा। कैसी न्यूज? अनुभव मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि इस साल साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड तुम्हें दिया जाएगा। कंग्रेचुलेशंस। रियली? यस इट्स ट्रू। ऐसा क्या हो गया जो हम एकदम से इतना खुश हो गया? मैडम कह रही थी खुशखबरी है।
खुशखबरी है, मतलब दिल्ली से खुशखबरी कह रहे बोलो तो इसका मतलब हमारा अन्नु दिल्ली चला जाएगा, उसका तबादला दिल्ली हो जाएगा। सुनिए, हमारा अन्नु दिल्ली नहीं जाएगा, वहाँ बड़ा बड़ा गाड़ी होता है, वो उसको ठोकर लगा देगा। दीदी दीदी शांत हो जाइए आप, पहले जेठ जी की बात तो सुन लीजिए ना। जेठ जी सचमुच उन्होंने खुशखबरी ही कहा ना? हाँ। ये कहने का मतलब ये है जब सुबह सुबह इतनी फोन आता है तो बुरी खबर होती है ना। हाँ सरगम, जब हमारी मौसी गुजरी थी सुबह 4 बजे फोन आ गया था। थैंक यू सो मच मैम। ओके मैम। अनु अनु तो कहीं नहीं जाएगा, तो हमको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। वो तो अपना बड़ा बाबू खुद बोल दे, जितना मर्जी बड़ा तनख्वाह हो, गाड़ी बंगला जो मर्जी दे, हमार बात सुन, कहीं नहीं जाएगा, वो हमको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। बड़ी मम्मी मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली खुद चल के मेरे पास आ रही है। क्या? अच्छा बोला। दिल्ली में नेशनल साइंस एकेडमी है, उनकी चेयरपर्सन है मिस गीता गुहा, उन्हीं का कॉल था अभी। आपको याद है पिछले महीने मैंने दिल्ली में रिसर्च पेपर्स भेजे थे मेरे? उन्हीं को भेजे थे। वहाँ पे हर साल सारे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट का काम स्टडी किया जाता है, और जिसका काम सबसे अच्छा होता है उसे सम्मानित किया जाता है। इस साल मुझे सम्मानित किया जा रहा है। अरे वाह, क्या बात है। मतलब तुझे साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने वाला है? सच में? अरे ये तो बहुत बढ़िया अचीवमेंट है, ये कोई छोटा मोटा अवार्ड नहीं है। नेशनल साइंस एकेडमी से अवार्ड हमारे अनु को। वाह हमारा शेर, शाबाश। अरे गोली दीदी लगा क्या? अनु बेटा ये पुरस्कार लेने दिल्ली तो जाना पड़ेगा ना? नहीं बड़े पापा, वो लोग लखनऊ आ रहे हैं ना हमारा इंस्टीट्यूट देखने के लिए, तो अवार्ड सेरेमनी यहीं पे करेंगे इस महीने की 10 तारीख को। 10 तारीख? हाय राम जी, नीति रसोई में जाकर जरा कैलेंडर लेकर तो आ। 10 तारीख तो पूर्णमासी होगा। सही कह रही है आप दीदी, उस दिन पूर्णमासी ही है। सुनिए जी, आपने जल्द से जल्द सबको फोन करके न्योता दे दीजिए। नहीं हाँ। नहीं बड़े पापा अभी नहीं, मुझे पता नहीं कि कैसे अरेंजमेंट्स होंगे, और शायद से इंस्टीट्यूट को तो अब तक न्यूज़ भी नहीं पहुंची होगी कि मुझे ये अवार्ड मिल रहा है। सब जाएंगे, परिवार, मित्र, रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, होने वाले रिश्तेदार भी। बिल्कुल, गुनगुन और उसकी फैमिली को तो सबसे पहले न्योता जाएगा। हाँ भाभी जाने दीजिए ना, इतने दूर के लोगों को क्यों बुलाना। दूर का? अब तो वो हमारे सबसे करीबी है ना? और नहीं तो क्या, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि उनके होने वाले दामाद जी को कितना बड़ा पुरस्कार मिल रहा है। और खुशी के ससुराल वालों को भी न्योता देंगे। हाँ दिव्या, और नीति के मायके वालों को भी। ठीक है ठीक है, आपको जिनको बुलाना है सबको बुलाएगा, पर अभी रुक जाइए, मुझे एक बार देख लेने दीजिए कि फंक्शन कितना बड़ा है, कैसे इंतजाम है। देखना क्या है, अच्छा ही होगा ना, तूने अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया है, वो कोई कसर थोड़ी ना छोड़ेंगे। भैया कल ही की बात लगती है कि अनु छोटा था और हमारे कंधे पे बैठ के मेला देखने जाया करता था, और इसके सवाल पूछने की आदत, बाप रे पूछो मत, ये क्या है, क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं, हमारा गला सूख जाता था जवाब देते देते, और इसके सवाल कभी खत्म नहीं होते थे। सही कह रहे आप, हमें भी याद है, सवाल पे सवाल खत्म ही ना हो, हमने तो इसका नामकरण भी किया था प्रश्न कुमार। और उसके सवाल पूछने की आदत खत्म हुई जब वो बड़ा हुआ। अरे नहीं नहीं, इसके सवाल खत्म नहीं हुए थे, हमारे जवाब खत्म हो गए थे। भैया इसी बात में एक पार्टी हो जाए। बिल्कुल बनती है। अरे हमारा अन्नू पहले वैज्ञानिक था, अब तो ये प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हो गया है, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। कभी कभी इत्तेफाक से
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।